बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी का 24 फरवरी 2018 के शनिवार की रात दुबई के जुमरेहा अमीरात टावर्स होटल में अचानक मौत हो गई। 54 साल की इस मशहूर अदाकारा की मौत के बाद पूरा बॉलीवुड समेत श्रीदेवी के चाहने वाले सदमे में है। मीडिया खबरों के मुताबिक श्रीदेवी की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई जा रही है। घटना के बाद कई फिल्मी सितारों ने होली की पार्टी समेत अपनी अपनी शूटिंग छोड़कर श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंचे। हालांकि उनकी मौत को लेकर मीडिया में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जबकि श्रीदेवी का पोस्टमार्टम भी किया गया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है। दुबई के डॉक्टरों ने साफ निर्देश दिए हैं कि दूसरी ऑटोप्सी नहीं की जाएगी, इसी रिपोर्ट को मान्य समझा जाएगा। इसके बाद ही परिवार वालों को शव सौंप दिया जाएगा। श्रीदेवी ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में बेहतर काम किया। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु के सिफकासी में हुआ था, जिनका बचपन में ही श्री अम्मा येजर यम्पन नाम ही था। उनके पिता एक वकील है और उनकी माँ का नाम राजेश्वरी है। उनकी एक बहन और दो सौतेले भाई हैं। बहन का नाम शिल्ता है, भाइयों का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट धुनवनी थी। आप सभी को बता दें कि श्रीदेवी के करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16 सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। श्रीदेवी का फिल्मी करियर उन दिनों ऊंचाइयों पर था, तभी उनके और उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ने लगी। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन ने चुपचाप शादी कर ली है, जिसके बाद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सबको अपने और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में सफाई दी। लेकिन आप सभी को बता दें, श्रीदेवी की ऑफिशियल शादी डायरेक्टर बोनी कपूर से साल 1996 में हुई। उनकी दो बेटियां भी हैं, जाह्नवी और खुशी कपूर। हालांकि एक सौतेला बेटा अर्जुन कपूर भी है, जिसने श्रीदेवी को कभी मां नहीं माना। श्रीदेवी ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं। 1980 और 1990 के दशक में श्रीदेवी सबसे अधिक फीस लेने वाली फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार थी। उन्हें इस युग की सबसे लोकप्रिय अभिनेता माना जाता था। साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। साथ ही आपको बता दें, साल 1996 में आई फिल्म नागिन, जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की थी। ये फिल्म उस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। उस दौरान श्रीदेवी की नागिन फिल्म सर्वश्रेष्ठ सांपों वाली फिल्मों में से पहले स्थान पे थी। इसी फिल्म का गाना मैं तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी दो और फिल्में रिलीज हुई, जिसमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जाबाज फिल्म शामिल है। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी की गजब के अभिनय को दर्शकों ने बहुत चक्का करके रख दिया था। दरअसल दुबई में श्रीदेवी के भांजे मोहित मारवा की 20 फरवरी को शादी थी। इस शादी में शामिल होने श्रीदेवी अपने पति, दोनों बेटियों देवर संजय कपूर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गई थी। शादी संपन्न होने के बाद श्रीदेवी ने दुबई में कुछ दिन एक और रुकने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद ये लोग दुबई में कुछ और दिन रुक गए। 24 फरवरी की रात अपने होटल के कमरे में बेसुध मिली श्रीदेवी को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उनके करियर की यादगार फिल्मों में सदमा, नागिन, कर्मा, चांदनी, लम्हे, चालबाज शामिल है। साथ ही आपको बता दें, साल 2017 में श्रीदेवी मॉम फिल्म में आखिरी बार नजर आई थी। बहरहाल फिल्मी दुनिया की हवा हवाई अपने चाहने वालों की आंखें नम करके चली गई हैं।